हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग फिटनेस में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शरीर के सबसे मजबूत पार्ट के बारे में। आप अपने शरीर का वे हिस्सा कैसे मजबूत बना सकते हैं। आप जैसा कि जान गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने लेग के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप अपना लेग को अच्छा बनाना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो, तो हम आज आपको एक्सरसाइज बताएंगे। सिर्फ 5 मिनट में बताएंगे आपको अच्छा तरीका, जिससे आप अपने पैर की ग्रोथ को इतना अच्छा बना सकते हैं कि आप खुद देखेंगे कि हमारा पैर कहां से कहां पहुंच गया है। चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले लेकिन आपसे निवेदन है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए आज का वर्कआउट शुरू। सबसे पहले हम सीधे खड़े होंगे। सीधे खड़े होंगे तो अपना शोल्डर के बराबर अपने पैरों को रखेंगे, और अगर आप शोल्डर से थोड़ा बाहर भी रख सकते हैं लेकिन मैं शोल्डर के बराबर ही रखूंगा, और अपने पैरों को थोड़ा सा वाइड करेंगे, जैसा कि ऐसे ही हमारा पैर इसको थोड़ा से बाहर खोल करेंगे, और अपने कोर एरिया को, इस एरिया को टाइट करेंगे, और अपना चेस्ट सीधा करेंगे, और अब सीधे खड़े होंगे, और हम सपोर्ट के लिए अपने हाथ को आगे रखेंगे, आगे रख सकते हैं या यहां रख सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपने हाथ को आगे रखेंगे, और हम अभी आपको 10 स्पॉट्स करके दिखाएंगे। 1, 2, 3, 4। जैसे कि हमने अपने पैर को हल्का से वाइड कर लिया था, और हम आपको साइड से बताएंगे। सबसे पहले अपने हाथ को आगे रखा है, और अपने बैक पे ध्यान देते हुए उसको सीधे रखेंगे कि हमारी बैक रोल ना हो पाए, और हम धीरे से बैठेंगे, हम सो जाएंगे तो यहां देखते रहेंगे कि मेरा पोस्चर क्या है। 90 डिग्री पे बैठा रुक गया है, और मेरा घुटना जो है ये उसके इस एरिया के आगे नहीं जा रहा, देखिए पैर बराबर है, ये हल्का पीछे रहेगा, आपके नी में नहीं मिलेंगे, देखिए ये। देखिए मेरा घुटना आगे नहीं जा रहा, सबसे बड़ा अगर आप घुटना आगे जाए तो इंजरी होने के चांस है। अब मैं आपको बहुत बारीकियां बताऊंगा, इसके करने के फायदे बताऊंगा। ये वर्कआउट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेग की पूरे ऑल ओवर ग्रोथ के लिए हमारे ये वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेग अच्छे चाहते हैं इस वर्कआउट को अच्छे तरह फॉलो करें, और इसके आप ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन भी कर सकते हैं और कम से कम रिपीटेशन भी कर सकते हैं। अगर आप के जैसे शेड्यूल आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो फैट लॉस में आप थोड़ा ज्यादा बार करें। रिपीटेशन का मतलब है कि आप ज्यादा बार करिए, ज्यादा, जैसे मैंने एग्जाम्पल ये वर्कआउट 1, 2, 3 कितने बार किया, रिपीटेशन किया, ज्यादा किया। अगर आपको साइज गेन करना है तो आप कम रिपीटेशन करिए, ठीक है। अब अगला, जैसा कि आज हमने वर्कआउट किया स्क्वाट्स, ये हम लोग के बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज से हमारे पैर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, जिससे कि हमारे पैर बहुत अच्छे मजबूत होते हैं, ये हमारे फैट लॉस में भी बहुत मदद करता है, ये हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी को सपोर्ट करता है। इस वर्कआउट को अपने रूटीन में जरूर ऐड करें, और सही तरीके से इस वर्कआउट को करें। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अगर फुल वर्कआउट वीडियो जानना चाहते हैं लेग की, तो हमारे प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दें और हमारी गलतियों को बताएं। अगर आप मेरा पहले का बिगिनर शुरू कर रहे हैं वर्कआउट, और आप घर में बोर हो रहे हैं, तो आप हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब।